दोस्तों, यह जो आप एक सुंदर वृक्ष देख रहे हैं, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि अनेक गुणों से भरपूर एक आयुर्वेदिक औषधि है। और वे लोग जिनको हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है, अथवा ऐसे लोग जिनको स्किन से संबंधित भयंकर रोग सोरियासिस की परेशानी है, उनके लिए तो यह एक अचूक और रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, कब्ज व सोरियोसिस में इस वृक्ष को कैसे प्रयोग करना है, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आयुर्वेद चिकित्सक व औषधीय पौधों की विशेषज्ञ MD आयुर्वेद डॉक्टर रीता जी। डॉक्टर रीता यहीं आयुर्वेद कॉलेज में पदस्थ भी हैं। नमस्कार डॉक्टर रीता मैम। मैम हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति इस औषधीय वृक्ष यानी अमलदास के वृक्ष को कैसे पहचाने, और कब्ज और सोरियोसिस में इसे कैसे प्रयोग करें। और मैम, मैंने तो सुना है कि ये जो पीले फूल हैं, आप इसकी अपने मरीजों को कोई रेसिपी भी बनाने के लिए बताती हैं, तो मैम वो हेल्दी और टेस्टी रेसिपी भी हमारे दर्शकों को आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। जी जरूर जरूर। तो दोस्तों, मुख्य रूप से यह आरगवत या अमलतास, जिसे हम बॉटनिकली केशिया फिस्चुला भी कहते हैं, यह एक मृदु विरेचक या माइल्ड लैक्सेटिव मेडिसिन है। इसलिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह शरीर में चिपके हुए मलों व अशुद्धियों को शरीर से बाहर निकाल कर हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। इसलिए दोस्तों, जब हम अमलतास के फूलों की सब्जी बनाकर खाते हैं या फिर इसके पंचांग का क्वाथ या डिकॉक्शन बनाकर पीते हैं, तो यह आरगवत पुरानी से पुराने कब्ज को भी जड़ से खत्म कर देता है। मैम, वैसे तो अमलतास हर जगह कॉमनली मिलने वाला प्लांट है, पर लोग इसको पहचानेंगे कैसे कि यही अमलतास है जिसको कॉन्स्टिपेशन या सोरियोसिस में उनको यूज करना है? देखिए, इसके सुंदर फूलों को देखकर तो आप इसे पहचान ही सकते हैं, और यदि हम इसकी पत्तियों को देखें तो यह ग्रीन यानी हरी कंपाउंड लीफ होती हैं। इसका अरेंजमेंट अल्टरनेट होता है, मतलब एक ब्रांच यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी, फिर ऊपर से एक ब्रांच निकलेगी। इस प्रकार इसके अरेंजमेंट को देखकर भी हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी जो लीफलेट्स होती हैं, ये 5 to 7 पेयर्स में होती हैं। जो इसकी लीफ का शेप होता है वो ओवल शेप होता है। इसका जो अपेक्स होता है वो एक्यूट अपेक्स होता है। जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वह अपोजिट होता है, मतलब अपोजिट लगी हुई होती है। और इसकी लीफ का एक महत्वपूर्ण आइडेंटिफिकेशन फीचर है कि इसकी जो नीचे की लीफ होती है वो छोटे साइज की होती है, फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसकी लीफ का साइज बढ़ते हुए जाता है। और अब हम इसकी लीफ को और ऊपर की तरफ देखते हैं, तो इसमें जो ऊपर की तरफ की जो लीफ में जो पेयर होता है वह, इसको हम पेरिपिनेट लीफ कहते हैं। इसकी जो यह फली होती है 1 से 1.5 फुट तक लंबी होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है और ब्राउन कलर की होती है। इसको तोड़ने पर आप देखिए, इसमें जो ब्राउन कलर की मज्जा दिखाई दे रही है, इसी को हम चिकित्सा में यूज़ करते हैं। जी, तो दोस्तों, जिन लोगों को कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, तो उन्हें इन्हीं फलियों के मज्जा भाग को 20 से 30 ग्राम की मात्रा में रात्रि में 1 गिलास पानी में भिगोकर रखना चाहिए, और फिर सुबह खाली पेट इसी जल को छानकर लगभग 20 से 30 ml की मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, आप पाएंगे कि पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन भी कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म हो जाएगा। और विशेषतः बच्चों और वृद्धजनों के कॉन्स्टिपेशन में तो अमलतास मज्जा से बेस्ट और कोई आयुर्वेदिक औषधि है ही नहीं। और साथ ही साथियों, यदि आप इसे कलेक्ट नहीं भी करना चाहते, तो मार्केट में भी अमलतास मज्जा के नाम से यह आपको आसानी से मिल जाएगी। इसी तरह दोस्तों, सोरियोसिस में भी इस अमलतास के पुष्पों, इसके पत्र, इसके तने की छाल, इसकी फलियां और जड़, इन 5 भागों को मिला करके, जिसे पंचांग कहते हैं, तो अमलतास के पंचांग के क्वाथ को 10 से 20 ml की मात्रा में सुबह शाम पीने के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ उसको इसी क्वाथ के जल से नहाने के लिए भी कहा जाता है। तो सोरियोसिस के पेशेंट को 2 से 3 दिनों में ही लगभग 70 से 80% तक आराम लग जाता है। साथियों, इस क्वाथ के साथ साथ अमलतास के फूलों की सब्जी भी सोरियोसिस के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो साथियों, अब हम चलते हैं डॉक्टर रीता मैम के घर, क्योंकि वहाँ उन्होंने हमें वो सब्जी बनाकर दिखाने का वादा किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर रीता मैम के घर पर, जहाँ वो अब हमें ये सब्जी बनाकर दिखाएंगी। दोस्तों, अब हम रीता मैम के किचन में आ चुके हैं, और देखिए रीता मैम ने शुरू भी कर दिया है बनाना।
तो मैम इसको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे क्या करना है? ना इसके सिर्फ पेटल्स जो है पंखुड़ियाँ उन्हीं को तोड़ना है, सिर्फ इसका जो ग्रीन भाग है उसको हमको हटा देना है। अब इन पंखुड़ियों में हमने पानी डाल लिया है, अब हम इसको धो के निकालेंगे जिससे इसका पानी थोड़ा सा निकल जाए। मैम पूरा पानी हटाना जरूरी है या थोड़ा गीला भी रहेगा? थोड़ा गीला भी रहेगा तो ठीक है, प्याज के साथ थोड़ा सा क्या है कि जब बहुत ज्यादा सूख जाता है तो फिर वो सब्जी थोड़ा जलने लगती है, तो थोड़ी नमक भी रहेगी तो ठीक रहेगा। इसलिए हमें पहले से धो के नहीं रखना है इसको, हम बस धो के निकाल लिया तब हम सब्जी बनाएंगे। गैस स्टार्ट करते हैं, इसमें हम थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। मैम कितना तेल डाल सकते हैं? ये तो काफी तेल लग रहा है। नॉर्मल जो सब्जी में हम डालते हैं, क्योंकि चूंकि ये क्या है सब्जी सूखी बनेगी तो यदि तेल कम रहेगा तो ये नीचे चिपकेगी और जलेगी, इसलिए हम इसमें थोड़ा। हालांकि सरसों का तेल तो हेल्दी होता है। हाँ तो इसलिए हम इसमें डाल थोड़ा, हमें थोड़ा ज्यादा तेल डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब्जी क्या चिपकेगी नीचे। अब हम इसमें थोड़ा तेल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें जीरा राई डालेंगे। अब हमारी कढ़ाई का तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम थोड़े से जीरे और राई डालेंगे। और पहले से हमने जितने पंखुड़ियाँ थी उतनी ही मात्रा में प्याज काट के रखी है और इसमें एक दो मिर्ची हरी मिर्च काट के रखी है, अब हम इसको डालेंगे। मैम केवल प्याज और मिर्च और कुछ भी नहीं है इसमें? नहीं, बस प्याज और मिर्च है। प्याज हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें क्या है इसके जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। ये क्या मैम टेस्ट में कैसी लगेगी? ये थोड़ा सा इसमें हमें कुछ खटाई डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कषाय और अम्ल रस होता है इसमें, तो इसलिए। अब ये प्याज भुन गई है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी डालेंगे। और कोई मसाला डालने की आवश्यकता है क्या मैम? इसमें कुछ भी नहीं, नॉर्मल हम जो सब्जी बनाते हैं डेली। और इतने कम मसाले में क्या सच में टेस्टी बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मली डाले हमने मसाले, बहुत टेस्टी लगती है सब्जी। मतलब अगर हम किसी को बताएं ना कि ये फूलों की सब्जी है तो वो खा पाएगा उसे टेस्ट में? मतलब टेस्ट वाइज भी तो मैम हेल्थ एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। हेल्थ तो एक अलग चीज है बट हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको बहुत टेस्टी लगती है। अब हम इसमें ये पंखुड़ी, ये थोड़ा सिम पे कर देंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद मैम इसको क्या ढक के रखते हैं? हम इसको ढक के दो तीन मिनट के लिए रख देते हैं, फिर हम देखेंगे इसको दो तीन मिनट बाद। मतलब दो हर दो तीन मिनट बाद चलाते रहना है? पाँच से सात मिनट में सब्जी बन के तैयार हो जाती है, दो मिनट बाद हम देख लेंगे, यदि ऐसा लगेगा कि चिपक रही है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। और हम इसको अब लगभग दो से तीन मिनट बाद हम फिर इसे चेक करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोल के देखते हैं। थोड़ी थोड़ी पक चुकी है पर ये थोड़ा चिपक रही है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे इसमें। फिर हम इसको ढक के रख देते हैं दो तीन मिनट बाद, सब्जी पक के तैयार हो जाएगी। अब हम इसे खोल के देखेंगे, हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। आप भी इस स्वादिष्ट सब्जी को बना के देखिए और जरूर इसका स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करिए। धन्यवाद।